आज हम बताने वाले मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती प्रक्रिया में गोला फेंका जाता है वो कितना फेंका जाता है और कैसे फेंका जाता है, कितना वजन रहता है। तो सबसे पहले गोला, तो गोले का वजन रहता है 7 किलो 240 ग्राम, ठीक है ना। और इसके बाद में ये डायमीटर रहता है ना ये वाला, तो ये इसका रहता है 7 फिट का पूरा रहता है, पूरा सर्कल 7 फिट का रहता है। अब इसमें जाने और आने की सारी प्रक्रिया बता दो, ठीक है। तो जाने के लिए हमें ये पीछे से जाना है, गोला इधर फेंकना है तो यूँ पीछे से ही जाना है। और जब भी हमें गोला फेंकने के बाद में जाते हैं बाहर तो वैसे ही जाना है, न कि हम गोला फेंकते तो उधर ही निकल जाएं कि गोला कहाँ पड़ा क्या है, इधर से भी नहीं, आधा गोले से पीछे ही जाना है। इधर भी जा सकते हैं हम, निकल सकते हैं, इधर भी निकल सकते हैं, मगर ये आधा बीच में जो लाइन खींची रहती है वहाँ पर, तो इससे उस साइड से कहीं बाहर नहीं निकलना, नहीं फाउल माने जाओगे। और ऐसे हम भग रहे हैं गोला फेंकते समय, ऐसे हमारा ये इतना भी आ गया जब तक हम फाउल हो जाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं होगा गोला फेंकने का। भले तुम 25 फेंक रहे हो, इधर जाके ये पैर पड़ गया ना तो फाउल है, कोई मतलब नहीं होगा। तो सबसे पहले हम एक बात करेंगे हम गोला फेंकने की टेक्निक, ठीक क्या रहता है, टेक्निक जरूरी रहती है। गोला तुम कितनी भी ताकत लगाओ इतना नहीं फेंक पाओगे, गोला ताकत लगाओगे तब जाके 19-20 फेंक पाओगे, और टेक्निक है तो तुम्हारी 25 भी फेंक दोगे। तो टेक्निक के लिए सबसे पहले रहता है पकड़ना, पकड़े कैसे गोले को, तो पकड़ने के लिए जैसे देखो ये हाथ है ना हमारा, तो इसको यूँ रखो गोले को। अब गोले को रखने के बाद में ये फिंगर 3 इधर होनी चाहिए पीछे, ये इधर दबा लो, ये इधर होना चाहिए, ये यूँ गैप होना चाहिए, और ये स्ट्रेट एकदम कड़क होना चाहिए। आप यूँ होगा ना तो पीछे ये फेंकते समय यूँ लपक जाता है पीछे, जो लपका पीछे तो ये 2 फुट को खा जाएगा, कम से कम 2 फुट को, तो यूँ कभी वभी तो फेंक ही नहीं पाता। तो इसको यूँ होगा ना कड़क, कड़क होने के बाद यूँ पकड़ना है कड़क एकदम से, कड़क पकड़ने के बाद में अगर कोई स्टेप लेके फेंकता है, यहाँ से स्टेप ले सकते हो, एक स्टेप यूँ ले करके यूँ फेंकोगे, और कोई कोई ना बिना स्टेप के ही फेंकता है तो वो यहाँ खड़ा हो जाता है पहले से, उसको पता है मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है तो वो बिना स्टेप के फेंकता है। तो बिना स्टेप के पहले फेंके देखेंगे, फिर स्टेप की, देखो स्टेप में ज़्यादा फेंकता है तो वो भी बताएंगे तुम्हें। तो पहले अब देखो एक बार फेंक के दिखाता हूँ मैं बिना स्टेप के, हाथ को यूँ कड़क और इतने पर ले लो लगभग, ठीक है ना। तो देखो फेंक के दिखाते हैं अभी, ये पड़ा होगा लगभग 22 के समथिंग, 20-21-22 पड़ रहा होगा, ठीक है ना। अब बिना स्टेप लिए फेंका है, अब स्टेप लेके फेंक के दिखाते हैं, देखो बिना स्टेप के इतना पड़ा है तो स्टेप में कितना पड़ेगा। तो अब स्टेप के फेंक के दिखाते हैं, देखो स्टेप और बिना स्टेप में कितना फर्क रहता है वो भी तुम्हें दिखाएंगे। पर स्टेप में फर्क क्या, दिक्कत क्या रहती है कि हमें लाइन पे ना फाउल हो जाती है, ध्यान नहीं देते, वहाँ देख रहे होते हैं नीचे जाके फाउल हो जाते हैं। तो अब स्टेप की दिखाते हैं, देखो यहाँ भी इधर भी फाउल हो जाओ, इधर भी पैर रख के भागे हो ना तो भी फाउल हो जाओगे, तो अपने को इधर भी ध्यान रखना है उधर भी रखना है। तो स्टेप का देखते हैं, देखो यूँ कड़क एकदम, ठीक है ना, कम से कम ये 1 फिट से ज़्यादा का फर्क रहा है पहले से। तो और ज़्यादा से ज़्यादा गोला रोज फेंकें तो ज़्यादा नहीं फेंकना है कि 10-15 बार फेंकते रहो तो ये हाथ क्या कमज़ोर हो जाता है, फिर हम कम होता जाएगा गोला, बढ़ता नहीं है, फिर हमें दिक्कत आती है, हम सोचते हैं कि गोला हमको दिक्कत है। गोला एक दिन में 4-5 बार ही फेंको, फिर दूसरे दिन फेंको या शाम को फेंक लो, सुबह फेंक लो, तो ज़्यादा मत फेंको।